गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, और आज हम लास्ट लेक्चर में जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वो भी वीडियो के एंड में सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म में क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती, फॉर एग्जांपल टाइम, और वेक्टर जो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है। ठीक है, तो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज टू चार्जेस Q1 Q2, ओके, टेक पॉजिटिव चार्जेस बोथ एंड टेक दिस ओरिजिन, क्योंकि हमें कोई ना कोई ओरिजिन चाहिए होता है चेक करने के लिए कि Q1 का क्या डिस्टेंस है, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो रेफरेंस पॉइंट हमने ओरिजिन लिया है। तो सपोज ओरिजिन से Q1 का जो वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। अब अगर हम 2 से 1 जा रहे हैं या फिर 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है, तो हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, लेट सी, फाइनल कौन है 2 यहाँ पे और इनिशियल कौन है 1, तो कहाँ से हम आए हैं 1 से, कहाँ जा रहे हैं 2, तो वेक्टर R2 1, हम इसको रीड करेंगे पोजीशन फ्रॉम चार्ज 1 to 2, और इसको हम लिखेंगे हमेशा डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमको इसको लिखेंगे वेक्टर R2 - वेक्टर R1, वेक्टर R2 - वेक्टर R1। सिमिलरली अगर हम 2 से 1 जा रहे हैं तो हम लिखेंगे फाइनल कौन है 1, और कहाँ जा रहे हैं 2 से 1, ठीक है, तो वी आर गोइंग फ्रॉम चार्ज 2 to चार्ज 1, वेक्टर R2, ठीक है, तो 2 से 1 जा रहे हैं तो वेक्टर R12 लिखेंगे, और इसको डिनोट कैसे करेंगे वेक्टर R12 को, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कौन है 1 और इनिशियल कौन है 2। ओके, तो हम यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R1 - वेक्टर R2, वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 - वेक्टर R1। सिमिलरली अब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लाइक चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2 को यहाँ धक्का मार रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, किसको लगा रहा है 2 को, तो फोर्स बाय 1 on 2, तो F21, और उस साइड हम क्या लिखेंगे फोर्स बाय 2 on 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं फोर्स F21 फोर्स बाय चार्ज 1 on 2, F12 फोर्स बाय चार्ज 2 on 1। सो F21 क्या डिनोट कर रहा है, वेक्टर F21 फोर्स बाय चार्ज 1, जो बाहर है वो फोर्स लगा रहा है, और किस पे लगा रहा है, जो अंदर लिखा है वो, तो फोर्स बाय चार्ज 1 on 2, फोर्स बाय चार्ज 2 on 1, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, लेट्स सी, वेक्टर इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वेक्टर F21
ओके तो हम स्केलर फॉर्म में क्या लिखते थे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो कौन सा डायरेक्शन का है, टू वन का, तो टू वन, और यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर लगा के मोर लगाते हैं तो ये हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। ओके और यहाँ पे हम डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, तो यूनिट वेक्टर आर वन टू, सॉरी आर टू वन, ओके वन टू पे। ओके नाउ यूनिट वेक्टर आर टू वन, आपको पता है यूनिट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपने 11th में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, वेक्टर आर टू वन के क्यू वन क्यू टू अपॉन वेक्टर आर टू वन का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर को हम ऊपर वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर टू वन। तो वेक्टर आर टू वन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर टू वन का मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, तो ये स्क्वायर ये वन, तो क्या हो जाएगा क्यूब, वेक्टर आर टू वन के क्यू वन क्यू टू अपॉन वेक्टर आर टू वन क्यूब, यूनिट वेक्टर आर टू वन। ओके इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, वेक्टर आर टू वन की जगह वेक्टर आर टू माइनस वेक्टर आर वन भी लिख सकते हैं। लेट्स सी वेक्टर आर टू वन के क्यू वन Q2 अपॉन वेक्टर R21, तो R21 क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1 क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये कौन सा फोर्स बता रहा है, फोर्स बाय चार्ज वन ऑन टू। ठीक है, अब हम इसी को देखेंगे, फोर्स बाय चार्ज टू ऑन वन। सो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम फोर्स बाय टू ऑन वन लिखते हैं, तो मैं इसको रब करती हूँ। ओके अगेन वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, दो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस क्यू वन क्यू टू। ओके ये ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट लिया है, पोजिशन ऑफ चार्ज Q1 इज वेक्टर R1, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 इज वेक्टर R2, 2 से 1 जा रहे हैं, ठीक है, तो वेक्टर R12, 1 से 2 जा रहे हैं तो वेक्टर R21, ओके फोर्स 2 लगा रहा है 1 पे तो वेक्टर F12, फोर्स 1 लगा रहा है 2 पे तो वेक्टर F21, ओके यहाँ पे भी मैंने डिनोट कर दिया है, वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, तो जिस पे लगेगा वो, ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर F21 फोर्स बाय चार्ज 1 ऑन 2। जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली वो मैं इधर साइड में लिख लेती हूँ एक बार, वेक्टर F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, अब हम सिमिलरली वेक्टर F12 लिखेंगे, वेक्टर F12 सिमिलरली K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब, और या फिर इनिशियल से स्टार्ट करना है तो इनिशियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेक्टर R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। ओके
तो वेक्टर F12 K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 होल क्यूब। यूनिट वेक्टर को ओपन करेंगे अगेन, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12, वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्यूब हो जाएगा, वेक्टर R12 क्यूब वेक्टर R12। ओके अब ओपन करेंगे तो सिमिलरली उसके जैसी इक्वेशन आ जाएगी, वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ओके तो लुक एट इक्वेशन सेकंड एंड लुक एट इक्वेशन वन। ठीक है मैग्नीट्यूड तो सेम होता है हमेशा K Q1 Q2 K Q1 Q2, तो चेंजेस क्या है डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या है हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं तो R2 माइनस R1, यहाँ पे हम 2 से 1 जा रहे हैं तो 1 माइनस 2 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्स का सेम है बट डायरेक्शन चेंज है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू वेक्टर F21, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, एक 2 से 1 जा रहा है एक 1 से 2 जा रहा है, तो इधर इसलिए हमने क्या लगाया है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लगाया है यहाँ पे हमने। ओके तो अगर आपको याद होगा दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है ऑपोजिट है। ठीक है तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मैग्नीट्यूड इज सेम ठीक है बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके तो यहां हमारा कूलम्स वेक्टर फॉर्म पूरा होता है, अगर हमें बोलते हैं कि कूलम्स वेक्टर फॉर्म प्रूव करो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो वही हमें इनिशियल से लेकर अब लास्ट तक उसको समझाना है, बताना है कि मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, देयरफॉर इट फॉलोस न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ हम आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स ड्यू टू मैनी चार्जेस यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है तो बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम अब डिस्कस करेंगे। ओके सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं हम, एक्स वाई और जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। अब दो चार्जेस ले लेते हैं हम लोग, एक चार्ज जिस पे हमें फोर्स फाइंड करना है दूसरे चार्जेस की वजह से, तो वो ले लिया है हमने Q0, तो Q0 का पोजीशन वेक्टर Q0 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा वेक्टर R0। सपोज चार्ज Q1 Q2 Q3 Qn up to n charges सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 क्या होगा वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 क्या होगा वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर चार्ज Q3 वेक्टर R3 और पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Qn वेक्टर Rn। ओके तो हमने सबके पोजीशन वेक्टर दिखा दिए, अब Q1 Q0 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q0 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 भी Q0 पे फोर्स लगा रहा है और Qn भी Q0 पे फोर्स लगा रहा है, तो इनके पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएंगे अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो
नॉट पे लगा रहा है, तो यहां से वन जो है चार्ज वो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन हम कैसे देंगे, आर वेक्टर आर नॉट वन। ओके, सिमिलरली वेक्टर आर नॉट टू, वेक्टर आर नॉट थ्री। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब हमें फाइंड करना है कि क्यू नॉट चार्ज पे ये सब चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले Q0 जो है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करेंगे, फिर Q0 Q2 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करेंगे, फिर Q3 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर उन सब का समेशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F कॉन वन नॉट पे, सिमिलरली वेक्टर F0 टू वेक्टर F0 थ्री अप टू वेक्टर F0 n। ओके, तो टोटल फोर्स पुट द वैल्यू k q1 q2 अपॉन r0 वन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर r0 वन। ओके, इसी तरीके से सबके लिए लिखेंगे हम, यहाँ पे आएगा ये Q0 और Q1। ओके, दो चार्जेस है वन और Q0। सिमिलरली K Q0 Q2 अपॉन वेक्टर R02 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R02। सिमिलरली K Q0 Q3 K Q0 Q3 वेक्टर R03 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R03। सिमिलरली अप टू n चार्जेस k q0 qn यूनिट वेक्टर R0n का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R0n। ओके, तो ये हमने क्या लिखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स ऑन q0 चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, नाउ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अगर जैसे इतने सारे चार्जेस हैं, ठीक है, और क्यू नॉट पे, तो ये वाले चार्जेस को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये फोर्स को क्यू नॉट वन एफ नॉट वन जो फोर्स है वो एफ नॉट टू इस पे अफेक्ट नहीं करेगा, ये एक अलग रहेगा। ठीक है, यानी दूसरे चार्जेस के बीच में, ठीक है, ये जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्यू नॉट क्यू वन का जो फोर्स लग रहा है तो Q2 के प्रेजेंस की वजह से Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। Q0 और Q2 Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है तो Q3 के प्रेजेंस की वजह से Q0 और Q2 का फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसको यूनिट वेक्टर को हटाते हैं, अगर इस कैप को हटाते हैं, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, और मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है तो वेक्टर आर अपॉन आर भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो अगर कैप लगाते हैं, कैप हटाते हैं यहाँ पे, तो के क्यू के क्यू नॉट क्यू वन वेक्टर आर नॉट वन यहाँ पे हो जाएगा क्यू, क्योंकि ये डिवाइड में मॉडुलस आ जाएगा, मोड आ जाएगा मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर आर नॉट वन। ओके, सिमिलरली सबके लिए ऐसे करेंगे, k q0 q2 r02 का क्यूब वेक्टर r02। सिमिलरली q3 के लिए k q0 q3 वेक्टर r03 का क्यूब वेक्टर r03। सिमिलरली n के लिए k q0 qn वेक्टर r0n का क्यूब और यूनिट वेक्टर r0n, सॉरी वेक्टर r0n। ओके सिंपल, तो ये हमारा फोर्स Q2 यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फाइन, समझ में आ गया आपको? अगेन बता देती हूँ, Q0 पे फाइंड करना है हमको ड्यू टू अदर चार्जेस, फोर्स फाइंड करना है Q0 पे ड्यू टू अदर चार्जेस, तो हम क्या करेंगे, सबको समेशन कर देंगे, F0 पर
कॉमन हमको आता है निकालना, ठीक है, एफ नॉट टू की इक्वेशन, एफ नॉट थ्री, एफ नॉट एन और सबका समेशन, और कैप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा, नीचे क्यूब आ जाएगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ हम जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे वो सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर के होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है एफ। तो सपोज दो चार्जेस है क्यू वन क्यू टू, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है एफ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, तो क्यू वन क्यू टू दोनों का डिस्टेंस कर दिया हमने ट्रिपल, तो थ्री आर कर दिया। Then the force between the charges will be, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा, तो F न्यू, F अगर लिखना चाहे तो K Q1 Q2 upon R square, अब F न्यू क्योंकि हमने F कर दिया है डिस्टेंस को ट्रिपल, तो K Q1 Q2 upon 3R का स्क्वायर, R की जगह अब हम क्या लिखेंगे 3R, तो 3R का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, Q1 Q2 upon 9R square. तो K Q1 Q2 upon R square क्या है? F. तो इसकी जगह हम F लिखेंगे. तो F upon 9. तो new force F new क्या हो गया? F upon 9. ये हमारा answer first question का. Okay? Now second question, for two point charges Q1 and Q2, if Q1 Q2 is less than zero. Q1, Q2 is less than zero. दो point charges है Q1 और Q2 और उन दोनों का multiplication अगर less than zero है, ठीक है, तो what is the nature of force between two charges? दोनों charges के बीच में nature of force कैसा होगा? Repulsive होगा कि attractive होगा? तो आप खुद देख सकते हैं less than zero कब आएगा, ठीक है, अगर दोनों charges positive होते हैं, ठीक है, दोनों चार्जेस नेगेटिव होते हैं या एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इन दोनों का माइनस माइनस का प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन पॉजिटिव आंसर आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो ही नेगेटिव आंसर आएगा और लेस देन जीरो होगा, ठीक है, तो लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो दोनों चार्जेस कैसे हैं, एक प्लस है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मींस अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, तो हमारा आंसर आएगा नेचर कैसा होगा उन दोनों का, अट्रैक्टिव नेचर होगा। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा और आज का होमवर्क भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू।